हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स के बारे में। अभी तक हम जितना कुछ पढ़ते आ रहे हैं, बोहर मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हेजनबर्ग, तो बेसिकली अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टोटली डिफरेंट टॉपिक है उन टॉपिक से। अब जो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स, ये हमें हमारी केमिस्ट्री में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको बताती हूँ क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम क्या पता लग सकता है। क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, ये टोटल सेट होता है फोर नंबर्स का, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर हमें किसी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम चारों क्वांटम नंबर्स की हेल्प से उसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं, उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, उसका टाइप ऑफ ऑर्बिटल पता कर सकते हैं, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन, तो हम ये सब चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप देखो पोस्टल एड्रेस एक बंदे का, अगर आप कहोगे भी आपको कोई बंदा एक्स है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भी कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए भी वो किस कंट्री में बिलोंग करता है, अंदर कौन सा टाउन है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा, मतलब आप देखोगे भी मतलब हाउस कौन सा है, हाउस नंबर क्या है उसका, तो जो उसकी कंट्री है वो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, टाउन है उसका एजिम्यूथल क्वांटम नंबर होगा, कॉलोनी जो है उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगी, और हाउस जो है उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो रहा है, मतलब कि बाहर से अंदर आते जाएंगे हम सारे क्वांटम नंबर्स को पढ़ते जाएंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक, और फिर स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो इसी को अब आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मेन एनर्जी लेवल। ये हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, मेन एनर्जी लेवल के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। इसको एन से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 1, 2, 3, 4, ये इसकी वैल्यूज होती हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो ऑर्बिटल है उसके साइज के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देगा, और इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से। आप देखते हो ये एक न्यूक्लियस है उसका, ये उसके सबशेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, या मैं कहूँ इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितनी दूरी पे है न्यूक्लियस से, ठीक है, तो ये दूरी भी ये हमें बताता है। ठीक है, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी है उसके बारे में भी बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी प्रिंसिपल सबशेल में, उसको हम 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं, जहां पर n जो है वो हमारा प्रिंसिपल शेल है। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2n² से निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, n की वैल्यू 1 है तो k है, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। n की वैल्यू 2 है तो l सबशेल आ जाएगा, एनर्जी लेवल आ जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो m एनर्जी लेवल आ जाएगा, 4 है तो n आ जाएगा। एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। ये देखिए, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, मतलब ऐसे करते करते आप अपने n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो जो अंदर वाला वो n1 है, 2 है, ये 3 है, KLM, ठीक है, ऐसे ही n, ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है भी जो पहले वाला हमारा एनर्जी लेवल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम 2n² से निकालेंगे, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2, तो मतलब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा दो, 2 है। अगले वाले में 2 डालेंगे n की वैल्यू, तो 4 हो जाएगा स्क्वायर, 2 × 4 = 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगले में निकालोगे तो आपको अगले का पता चलेगा। ऐसे करते करते आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी एनर्जी शेल के अंदर भी कितने हैं। उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या हम कहें सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं, जो और एल की वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1। जो हमारी, एक सेकेंड प्लीज, जो हमारी एल की वैल्यू है वो है 0 to n-1 है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें सबशेल के बारे में बताता है या सब लेवल। देखो, पहला आता है हमारा शेल, शेल के अंदर आते हैं सब शेल्स, मतलब बहुत सारे और
शेल्स ही शेल्स। तो ये जो हमें है ये हमें सबशेल के बारे में बताता है। पीछे हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें शेल के बारे में बताता था, एनर्जी शेल्स के बारे में। उसकी वैल्यू निकालनी होती थी तो 2n स्क्वायर से हम सीधा निकालते थे, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, फॉर एग्जांपल आपको लिखा है ns, np, ठीक है। तो जो n है वो n की वैल्यू पीछे वाली थी, मतलब 3p लिखे कहीं पे भी, तो 3 हमारा इधर n है जो हमने पीछे निकाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एज्यूम्यूटर में बता रही हूँ l की वैल्यू क्या है, 0 to n-1 है, ठीक है। n माइनस n की वैल्यू डालो तो l की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमें सबशेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। अब कैसे निकालते हैं देखिए, l की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो कौन सा शेल आ जाएगा, s आ जाएगा। l की वैल्यू 1 डालोगे तो p आ जाएगा, ठीक है। l की वैल्यू 2 डालोगे तो d आ जाएगा, 3 डालोगे तो f आ जाएगा, और 4 डालोगे तो g आ जाएगा। ये शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल जो है ये मेरी स्पेक्ट्रल लाइन्स ऐसी दिखती है। तो मतलब अगर आप L की वैल्यू 0 डालते हो, ठीक है, तो L की वैल्यू अगर 0 आती है हमारी तो S आ जाएगा सबशेल। L की वैल्यू 1 आती है तो P, 2 तो D, 3 तो F और 4 तो G। ये अब कैसे है ये आपको एक्सप्लेन आगे भी करती हूँ, L की वैल्यू क्या क्या आती है और कैसे कैसे दिखता है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है भी एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। पीछे हमने देखा था एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे तो 2n स्क्वायर से निकाल लिया। अब सबशेल में कैसे निकालने हैं तो 2 × 2l+1 करेंगे। l की वैल्यू आप 0 डालोगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे s सबशेल में, ठीक है। अब मैं यही चीज आपको यहां एक्सप्लेन कर रही हूं। आप देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल शेल जो k शेल था हमारा, उसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब n की जगह 1 डालो k शेल के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, l इज 0 to n-1 होता है, तो l क्या आ गया 0 to 0, यानी कि 0 यानी कि a की वैल्यू है, यानी कि एक ही सबशेल है, एक ही वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। एल की एक ही वैल्यू आ रही है 0, तो मतलब एक ही सबशेल है एस के अंदर, ठीक है। तो एक एस सबशेल हो गया, क्लियर हो रही है ये चीज। मैंने यहां एस सबशेल क्यों हुआ, आपको मैंने अभी एक टेबल बना के दिखाया था। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एस होगा, 1 होगी तो पी होगा, 2 होगी तो डी होगा। तो वही यहां पे किया, एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस होगा, तो ये एस सबशेल है जहां पे सिर्फ एक ही सबशेल मिला है हमें। सेकेंड प्रिंसिपल शेल यानी कि एल शेल के अंदर एन की वैल्यू 2 डालो, 0 to 2-1 कितने हुआ, 0 to 1, यानी कि 0 and 1। अब एल जब 0 होगा तो एस सब शेल, एल 1 होगा तो पी सब शेल। टेबल में देखिए एल की वैल्यू 0 है तो एस है, 1 है तो पी है। तो अब यहाँ पे 0 and 1 आया, तो 0 से क्या हुआ एस हो गया, 1 से क्या हो गया पी हो गया। मतलब अब इसमें 2 सब शेल्स है हमारे पास, एस और पी। तो ये पिंक वाली आपको एस दिख रही है और ग्रीन वाली आपको पी दिख रही है, तो ये हमारी 2 सब शेल्स होगी। एक शेल के अंदर, एल शेल के अंदर हमें 2 सब शेल्स मिलती हैं, के वाले के अंदर हमें सिर्फ एक ही एस मिली थी। अब नीचे देखिए थर्ड प्रिंसिपल शेल एम शेल जो है, उसमें एन की वैल्यू 3 होती है, यानी कि 0 to 3-1, यानी कि 0 to 2 हो गया, 0, 1 and 2, मतलब 3 मिलेंगी इसमें, L0, L1 और L2, 0s, 1p और 2d हो जाएगा। तो इसमें 3 मिल रही है, मतलब कि थर्ड प्रिंसिपल शेल एम शेल के अंदर 3 है, एस पी एंड डी। एस आप देखिए पिंक से डिनोट किया मैंने, पी जो है वो ग्रीन से किया, और डी जो है वो ब्लू से किया, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पता चले भी हाँ 3 सब शेल्स है हमारे एम शेल में। फोर्थ प्रिंसिपल शेल देखिए, इसमें क्या होता है, एल टू 4-1, एन की वैल्यू 4 डालिए तो 3 आ गया, 0 to 3, 0, 1, 2, 3, मतलब एस पी डी एफ, मतलब 4 सब शेल्स होती है हमारी एन शेल के अंदर। तो ये था हमारा एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं, ये हमें जीमन इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। जीमन इफेक्ट क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, मैं आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ एक शॉर्ट में। जब हम स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो नंबर ऑफ लाइन्स में स्प्लिट हो जाते हैं, आगे टूट जाती हैं, ये होता है हमारा जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस को हम स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, उसको स्टार्क कहते थे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, एम से डिनोट होता है और इसकी वैल्यू -L to L लाई करती है 0 को इंक्लूड करते हुए। कैसे करती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूलाज लगाएंगे फिर से, L अगर 0 होगा तो क्या वैल्यू होगी, M भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, मतलब एक वैल्यू क्यों होगी, M इज इक्वल टू -L to +L, हमने बोला ऊपर
जीरो टू जीरो, जीरो मतलब ए की वैल्यू आ गई, मतलब कि एस सबशेल के अंदर ए की ओरिएंटेशन है, ए की वैल्यू आई है तो ए की ओरिएंटेशन है स्पेस में एस के अंदर, ठीक है। तो एस सबशेल इज ओनली वन ऑर्बिटल, अगर ए की वैल्यू हुई है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। आप देखते हो, आप आगे जाके पढ़ोगे भी, ऑर्बिटल्स ऐसे बनते हैं जो छोटे छोटे, हम अगर वैल्यूज निकालते तो एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इस प्रकार। तो हमने ये निकाल लिया, एम की वैल्यू जीरो है मतलब एक ही वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू आई है मतलब एक ही ओरिएंटेशन होगी, मतलब एक ही ऑर्बिटल है। अब अगर एल वन पुट करते हैं मतलब पी सबशेल है, मतलब एम क्या हुआ माइनस एल टू एल हो गया, यानी कि माइनस वन टू, सॉरी यहां वन लिखना था, मैंने एल ही लिख दिया, फिर से माइनस वन टू वन हो गया, मतलब माइनस वन जीरो एंड वन, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आ गई, मतलब तीन इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं। पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। ये भी हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे, आगे आपको दिखाऊंगी मैं जब हम करते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह कैसे फीलिंग है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस डायग्राम से आपको सिर्फ ये बता रही हूं भी तीन ऑर्बिटल्स, देखो एक दो तीन, इसमें तीन ऑर्बिटल्स इस प्रकार हमारे आगे, ठीक है। तो ये पी सबशेल की तीन वैल्यूज है, तो तीन आएंगी जब हमने एल वन पुट किया। एल अगर दो होता है, ठीक है, डी सबशेल के लिए एल टू होता है ना, तो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एल टू एल माइनस टू टू टू, यानी कि माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू, मतलब पांच वैल्यू आ गई, मतलब पांच ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कि पांच उसकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। पांच कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये चीज आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी भी ऐसा क्यों होता है, पीछे तो हमने पी एक्स पी एक बोला था, पी एक्स पी वाई पी जेड, इधर ऐसा क्यों है और पीछे वैसा क्यों था, तो आगे आपको आएगा समझ में। फिलहाल आप यही देखिए भी कितने ऑर्बिटल्स हैं। L इज इक्वल टू थ्री में देखिए, जो f सबशेल होता है माइनस थ्री टू प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, सेवन डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, मतलब सेवन ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, सबशेल्स है एस पी डी एफ जी एच, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, एक सबशेल में एक है, पी में तीन है, डी में पांच है, एफ में सात है और जी में नौ है। तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी हमने पहले बाहर वाला बताया शेल, फिर सब शेल, फिर अब उसके अंदर हमने ऑर्बिटल्स बताए। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं या एम एस से डिनोट करते हैं। इसमें क्या पता चलता है, हमें स्पिन पता चलती है, उसकी ओरिएंटेशन पता, मतलब उसकी डायरेक्शन पता चलती है, वो कैसे स्पिन करता है, कैसे रोटेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है दो डायरेक्शंस में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करेगा तो उसकी स्पिन प्लस हाफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसकी स्पिन माइनस हाफ होगी, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर है ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कल्ला न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, वो अपने ओन एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, उसी स्पिन को हम प्लस हाफ और माइनस हाफ कहते हैं। ये डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है, अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो प्लस हाफ स्पिन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस हाफ स्पिन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, कैसे करता है मैं आपको दिखाती हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा, उसका फॉर्मूला है फोर एस एस प्लस वन का रूट बोहर मैग्नेटॉन, या फिर एन एन प्लस टू का रूट बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। एन इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और एस जो है सारी स्पिन को प्लस करके एस की वैल्यू निकालने सिखाती हूँ, वो इसमें डालेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। देखिए अब कैसे निकालते हैं एस की वैल्यू, ये तीन ऑर्बिट है, मैंने आपको पीछे बताया था पी में तीन ऑर्बिट होते हैं, तो पी का है ये जैसे दिख रहा है हमें, तो इसमें तीन आप देख सकते हो स्पिन है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो प्लस हाफ बोला था, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तीनों का एड कर दो, थ्री बाय टू एलसीएम लेके आ जाएगा। तो एस की वैल्यू थ्री बाय टू आ गई, इसमें डालिए मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन तो प्लस हाफ, नीचे की तरफ डायरेक्शन तो माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, फिर माइनस हाफ प्लेस, फिर प्लस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, ये कट गया तो स्पिन यहां से हाफ आ जाती है, तो उसमें वैल्यू डालिए आपकी मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा। इसमें देखिए सारे ऊपर की डायरेक्शन में पांच है तो फाइव बाय टू आ जाएगा, प्लस हाफ करेंगे तो ये स्पिन की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा, डाई मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक क्या होते हैं। डाई मैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड देखिए किस वे में प्रेजेंट होंगे, जैसे ये आपका एक ऑर्बिट है तो ये पेयर में प्रेजेंट है, ये पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन है, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पेयर्ड है, तो अगर वो पेयर में प्रेजेंट होंगे तो एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ इकट्ठे हैं तो वो कैंसिल कर देंगे तो एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो डाई मैग्नेटिक है और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में।
पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अनपेयर्ड देखिए कैसे हैं, मान लीजिए पी का है, अनपेयर्ड ऐसे होंगे, बी ए पेयरिंग में नहीं है, पेयरिंग तो ऐसे हो जाती है ना, ठीक है. तो ये पेयरिंग में नहीं है, मतलब जैसे अभी भी दो अनपेयर्ड पड़े, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर है, एस जीरो नहीं होता, ठीक है. और ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो रिपेल होते थे मैग्नेटिक फील्ड में. तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इस पूरी वीडियो में आपको ये समझाया अभी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है हमें. तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए, और जितना आपसे शेयर हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लस लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.